स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। समाजवादी पार्टी की जन क्रांति रैली का आज लखनऊ में पार्टी कार्यालय में समापन हुआ, जहां पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी साथ दिखाई दिए। तो ये आपको एक दूसरा दल, महान दल श्री केशव जी, वो भी यात्रा पर निकले थे। आज की यात्रा बलिया से शुरू हो रही थी, महान दल की यात्रा पीलीभीत से शुरू हुई है और हमारे बीच लीडर वोइशन है जिन्होंने झंडी दिखाई थी। जिस समय महान दल का कार्यक्रम का समापन हुआ था, वो इटावा में, सैफई में उसका बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और वहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय रामगोपाल यादव जी ने उस समापन के कार्यक्रम में, महान दल के कार्यक्रम में शामिल होकर के उन्हें बधाई दी थी। आज हम नेताजी और पार्टी के सब लोग मिलकर के डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी के सभी सहयोगी साथियों को, और जब यात्रा समाप्त हो रही है, हम आपको बधाई देना चाहते हैं और मुबारकबाद देना चाहते हैं। ये यात्रा जिन जिन जिलों से निकली है, ये यात्रा जिन जिन जिलों से होकर के आई है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ढूंढे ही कि उनके प्रत्याशी कहां हैं, इसीलिए समाजवादियों ने कहा है कि अब की बार 400 पार। लोगों ने कम सीट के लिए नारा लगाया, लेकिन इस बार समाजवादियों ने लगाया है और उसमें डॉक्टर चौहान, संजय सिंह चौहान जी, महान दल और दल भी मिलकर थे। हम लोगों का प्रयास होगा जनता को साथ लेकर के, क्योंकि जनता में इतनी नाराजगी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जनता एक दिन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखना नहीं चाहती। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान की पैदावार की आय दोगुनी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने जहां किसानों का कर्ज माफ करने का कहा था और वहीं कहा कि जो पैदावार होगी उसकी, जो आय होगी किसान की, उसको हम दोगुना कर देंगे। तो किसानों की पैदावार की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन सिलेंडर कितना हो गया, दोगुना हो गया कि नहीं हो गया? रसोई गैस का सिलेंडर की कीमत हमारी बहन बता रही है, क्योंकि इन्हें घर देखना पड़ता है। ये जो हमारी बहनें खड़ी हैं, ये बता रही है कि सिलेंडर की कीमत दुगनी हो गई है और ये अब घर नहीं चला पा रही हैं और कई हजार रुपया अब इनको ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है केवल घर चलाने के लिए। डीजल कितना बढ़ गया, पेट्रोल कितनी महंगी हो गई। और याद कीजिए उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने क्या कहा था, केंद्रीय सरकार के मंत्री जी ने क्या कहा, जब सरसों का तेल महंगा हो गया था, जब सरसों का तेल महंगा हो गया तो सोचिए क्या जवाब दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उन्होंने, सरकार के लोगों ने जवाब दिया कि सरसों के तेल में मिलावट हम नहीं कर पा रहे इसलिए महंगा है। बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलावट करके चीजें सस्ती करना चाहते हैं। और अपना सिलेंडर नाप के रखना, अगर कभी कीमत कम हुई तो हो सकता है उसमें से, ये भारतीय जनता पार्टी है जो गैस भी निकाल देगी सिलेंडर। और यही नहीं, आप खाद की बोरी खरीदते होगे, कीमत वही रही और खाद में से, तो बताओ कैसी सरकार है ये। और नोटबंदी क्या किया था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, डॉक्टर संजय सिंह चौहान जानते होंगे, इन्हें लोगों ने शिकायत की होगी कि बताओ भ्रष्टाचार किस तरह बढ़ गया है। अच्छी योजना थी, 100 नंबर उसको ही बर्बाद कर दिया इन्होंने। इसलिए मैं बहुत सोच रहा था कि हिंदी में क्या शब्द कहूं कि नेताजी जब आ गए हमारे कार्यक्रम में। हिंदी में मुझे कोई कार्यक्रम, कोई शब्द नहीं मिला, इसलिए अंग्रेजी का ही मुझे बोलना पड़ रहा है
कि आइसिंग ऑन द केक। अब हिंदी में कोई अच्छा शब्द हो तो बताओ। सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। नेता जी के आने से शोभा बढ़ी और रौनक हमारे कार्यक्रम की बढ़ गई। मुझे डॉक्टर संजय सिंह चौहान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके सभी समर्थकों को बधाई देता हूँ, और अरविंद गिरी जी और उनके सभी साथी लगातार चलते रहे यूथ के लोग, और जिन जिन जिलों में जहां जहां समाजवादी पार्टी को और आपके लोग खड़े होकर के इंतजार करते करते जिन्होंने आपका स्वागत किया, कार्यक्रम को सफल बनाया। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी लोगों को उत्तर प्रदेश के जहां जहां यात्राएं निकली हैं उनको बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। साथ ही में आज तो आपकी यात्रा आज समाप्त हो रही है, महान दल की भी यात्रा समाप्त हो चुकी है, इसी तरह इंद्रजीत सरोज जी जनादेश यात्रा लेकर के निकले हैं, वो भी लगातार जगह जगह जाएंगे और लोगों को जगाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और उनके साथ बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता किसान नौजवान पटेल यात्रा पर निकले हैं। समाजवादी व्यापार सभा मंडलीय सम्मेलन कर रही है और इसी तरीके से लगातार यात्राएं होती रहेंगी और यात्राएं तब तक नहीं रुकेंगी जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में ना आ जाए। मैं सभी साथियों को चौहान समाज के लोगों को बधाई देता हूं और ये भरोसा दिलाता हूं कि जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया उस सम्मान को देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आपके समाज को अगर कहीं हमें सम्मान देना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी कभी पीछे नहीं हटेगी, और आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपके साथ जो अन्याय हुआ है आने वाले समय में कहीं भी किसी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे। समाज को आगे बढ़ाने के लिए अगर हमें आपके समाज के बीच के लोगों को भी आगे बढ़ाना पड़ा तो समाजवादी लोग आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई देता हूँ। चंदौली से चल के पांच पत्रकार बंधु आए हैं और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पत्रकारों के ऊपर बंदी होते लिखे जा रहे हैं। आगे क्या ज्ञापन दे देंगे, पत्रकार भाइयों आप भी बच के रहना, ये पत्रकार साथी आए इनके ऊपर आने दो, पत्रकार लोग आने दो, ज्ञापन दे रहे पीछे आने दो, स्टेज पर आ जाने दो, ज्ञापन है संकल्प। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। आज जन क्रांति रैली की समापन जो है वो यहाँ पर हुआ है सपा कार्यालय में, और उसी को लेकर अखिलेश यादव अपना वक्तव्य रख रहे थे और बीजेपी पर निशाना भी साध रहे थे। बहरहाल संकल्प हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संकल्प अभी फिलहाल क्या चल रहा है, क्योंकि हमें सुन रहे हैं यहाँ पर कुछ पत्रकार भी पहुंचे हुए जो कि कह रहे हैं उनके साथ मारपीट हुई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस यात्रा की शुरुआत बलिया से की गई थी, अब नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने 16 अगस्त को इस यात्रा की शुरुआत की थी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे सोशलिस्ट पार्टी जनवादी सोशलिस्ट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है संजय चौहान। आज वो यात्रा तमाम जिलों से होते हुए अयोध्या अम्बेडकर नगर और तमाम जिलों से होते हुए आज लखनऊ पहुंची, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर इस यात्रा का स्वागत किया गया है। और आज कहीं ना कहीं मुलायम सिंह ने उन लोगों का स्वागत किया है। मुलायम सिंह का कहना था कि जनवादी के लोग समाजवादी पार्टी से प्रभावित हैं, इसलिए उनका स्वागत भी किया जा रहा है। उनका कहना था कि तमाम उन मुद्दों को लेकर के अब लोगों के बीच में जो यात्राएं निकाली जा रही है उसका एक उद्देश्य है कि लोगों को भाजपा के कार्यकाल की जो खामियां हैं उनको गिनाया जाए। वही अखिलेश यादव ने भी अपने भाषण में कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दबी जुबान में जो उन्होंने बात कही उसका सीधा इशारा ये माना जा रहा है। उनका कहना था कि तमाम वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी में हैं जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मान नहीं दे रही है, तो ऐसे में ये इशारा नरेश अग्रवाल के लिए माना जा रहा है। उनका कहना था तमाम लोगों का समाजवादी पार्टी ने सम्मान करने का पहले भी काम किया है और आगे भी करती रहेगी, और जो यात्राएं अभी चलाई जा रही हैं उत्तर प्रदेश में ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि 2022 में कई मुद्दों को लेकर सरकार की खामियों को लेकर और अपने कार्यकाल के जो कामकाज है उनको लेकर जनता के बीच में जाना है, तो ऐसे में तमाम वो दल जो समाजवादी पार्टी के
सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। 2022 की महाभारत में उनके सहयोग के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज ये स्वागत का समारोह रखा गया था समाजवादी पार्टी कार्यालय में, जहां पे मुलायम सिंह ने भी बात कही। उनका कहना था कि तमाम ऐसे लोग हैं जो समाजवादी विचारधारा से लगातार प्रभावित हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी उनका स्वागत करने का काम कर रही है। वहीं अखिलेश यादव ने तमाम मुद्दों पर लेकर सरकार को घेरा। उनका कहना था कि महिला सुरक्षा हो या पेट्रोल डीजल की कीमत हो, इसके साथ ही ये अब मुद्दा बनाया जाएगा और कहीं ना कहीं जो यात्राओं का सिलसिला शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश की जनता को जागरूक करने के लिए, वोटर यानी कि जनता के बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी का मकसद यही है कि सरकार की खामियां जो हैं वो रखी जाएं और 2022 का जो इलेक्शन है उसमें किस तरीके से सीट्स निकालनी है, कैसे वो ताज हासिल करना है, ये इन तमाम यात्राओं का मकसद। लेकिन जो जिक्र आपने करा यहाँ पर नरेश अग्रवाल का, जिनको इंडिकेशन यहाँ पर दिया गया अखिलेश यादव की तरफ से, इससे पहले हम ये भी सुनते नजर आए थे अखिलेश यादव के मुंह से ही जब उनसे सवाल पूछा गया था नरेश अग्रवाल को लेकर, उन्होंने कहा कि हाँ पार्टी में उन्हें लेने की सोचेंगे अगर ये कहते हैं कि बीजेपी ने अपमानित किया है। बार बार इंडिकेट कर रहे हैं लेकिन इसके साथ ये भी चेता रहे हैं कि अगर ये कहते हैं कि पार्टी बीजेपी पार्टी में उनका अपमान हुआ तब जाकर वो सोचेंगे कि सपा मिलेंगे। देखिए बिल्कुल तमाम उन नेताओं पर अखिलेश यादव की भी नजर है जो समाजवादी पार्टी में पूर्व में कार्य कर रहे थे और जिस तरीके से आगामी चूंकि चुनाव को लेकर के संकल्प में आपके पास वापस लौटती हूं, लेकिन इस वक्त पहले दर्शकों को ये सुना देते हैं कि अखिलेश यादव ने आखिर क्या कुछ कहा। आज हम नेताजी और पार्टी के सब लोग मिलकर के डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी के सभी सहयोगी साथियों को और जब यात्रा समाप्त हो रही है हम आपको बधाई देना चाहते हैं और मुबारकबाद देना चाहते हैं। ये यात्रा जिन जिन जिलों से होकर के आई है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ढूंढेगी कि उनके प्रत्याशी कहाँ है, इसीलिए समाजवादियों ने कहा है कि अब की बार 400 पार। और संक